चैप्टर 12 जो मेन फोकस होता है डिमोलिशन ओरिएंटेड। तो जो भी डिमोलिशन ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कि जिस स्ट्रक्चर का ये एस्टेब्लिशमेंट का अगर लाइफ खत्म हो जाता है या फिर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर्स है तो ये स्ट्रक्चर्स या एस्टेब्लिशमेंट जो होती है उसको डिमोलिश करना जरूरी होता है। तो उसके लिए ये कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि यहाँ पे 108 में डिमोलिशन के प्रिपरेशन के बारे में कि एग्जैक्टली ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है, इसका ओवरऑल हाइट कितना है, इसमें ओवरऑल मटेरियल कितना है, क्वांटिटी कितना होता है, या फिर इसके रिलेटेड जो भी वाटर कनेक्शन है या फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है या फिर गैस कनेक्शन है, स्टीम कनेक्शंस होते हैं, तो जो भी यहाँ पे कनेक्टेड क्या क्या चीजें हैं और वहां पे उसका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। और फिर यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के अगर आपको परमिशन लेनी हो तो यहाँ पे ये परमिशन आपको लेनी होगी, और उसके बाद में ही आप ये सभी कनेक्शंस को डिसकनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में डिमोल्यूशंस के लिए आपको मैनुअल डिमोल्यूशन करना है या फिर जेसीबीज एक्सकैवेटर जैसे मशीनरी से करना है, या फिर आपको जो मेटल बॉल्स और स्ट्राइकिंग वो मैकेनिज्म आपको यूज करना है या फिर आपको एक्सप्लोजिव यूज करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद में है जो 109 प्रोटेक्शन ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर। तो जब भी आपको एस्टेब्लिशमेंट या जो भी कंस्ट्रक्शन साइट को डिमोलिश करना है तो उसका इफेक्ट आपके जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर होते हैं उस पर हो सकता है। तो आपके एग्जैक्टली एस्टेब्लिशमेंट का बिल्डिंग का हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, अगर वो इन केस कहीं पे टिल्ट हो जाता है, यानी कि अगर सेम स्पेस में अगर वो डिमोलिश नहीं हो पाता है, अगर वो थोड़ा सा साइड में कोलैप्स हो जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। उसके अलावा जो भी डिमोलिशन वर्क होता है तो उसमें जो भी डस्ट क्रिएट होने वाली है या फिर जो भी हजार्डस यहाँ पे डस्ट हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं या फिर कोई यहाँ पे और कुछ फ्यूम्स यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, तो उसका इफेक्ट एडजेसेंट स्ट्रक्चर पे क्या हो सकता है, या फिर जो भी यहाँ पे आपको पाइलिंग एक्टिविटी करनी है या शोरिंग एक्टिविटी करनी है, ब्रेसिंग एक्टिविटी करनी है, तो उसके रिलेटेड भी एडजेसेंट स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में आपको पहले ध्यान देना होगा और फिर वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को उस हिसाब से प्रोटेक्ट करना होगा। फिर 110 जो है रूल वो है डिमोलिशन ऑफ वॉल्स और पार्टीशंस। तो अगर हम पहले वाले जो ऑपरेशंस देखेंगे तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे कि आपको पहले वॉल जो है जो डायरेक्टली कॉलम्स या प्लिंथ से कनेक्टेड नहीं होते हैं उनको यहाँ पे डिमोलिश करना जरूरी है, और उसके बाद में जो भी पार्टीशंस अगर यहाँ पे होते हैं, कहीं जगह प्लास्टिक पार्टीशन, कहीं जगह ग्लास पार्टीशन, कहीं जगह मेटालिक पार्टीशंस भी होते हैं, वुडन पार्टीशंस भी होते हैं, तो वो पार्टीशंस आपको यहाँ से हटाने होंगे। उसके बाद में अगर जो भी फ्लोर्स जो रूफ होते हैं तो रूफ पे अगर कुछ एटम्स या आपने जैसे पीओपी का कंस्ट्रक्शन किया रहता है किसी ने या फिर कोई और यहाँ पे एडिशन अगर किया होगा रूफ से, तो उसको पहले हटाना होगा और उसके बाद में फिर आपको रूफ से ये स्टार्ट करना होगा। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है, जैसे आपने जो आपका मिनिमम हाइट होगा आपके कंस्ट्रक्शन का या एस्टेब्लिशमेंट का, तो वो टॉप से आपको यहाँ पे एक्सकेवेशन या फिर डिमोलिशन एक्टिविटी स्टार्ट करनी होगी और फिर वहां पे बॉटम तक आपको लाना होगा। अगर आप कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करते हैं तो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स ये अगर कॉस्टली भी तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिनट्स में ही आपकी ओवरऑल बिल्डिंग या एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे डिमोलिश हो सकती है। उसके अलावा जो अभी हमने बात की कि अलग अलग मेथड ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं, यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ चूट्स हो सकता है या फिर बाय मीन्स ऑफ बकेट्स हो सकता है या फिर बाय मीन्स ऑफ हॉइस्ट हो सकता है या फिर जो ओपनिंग ऑफ फ्लोर्स होगा और उसके बाद में फिर आपको डिमोलिशन करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर सेफ अगर तरीका होता है तो वो भी यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बाद में फिर आप ये मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। फिर जो फ्लोर पे एक्सेस होगा तो वो फ्लोर पे एक्सेस करने के लिए या एंट्री करने के लिए आपके अलग अलग जो एंट्रेंसेस होते हैं या फिर हॉलवेज, स्टेयरवेज, लैडर्स हो सकते हैं, तो उसको पहले प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद में ही आपको एंट्री करके बाकी के प्रोविजंस यहाँ पे करने होंगे। कुछ स्ट्रक्चरल स्टील जो होते हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल स्टील का डिमोलिशंस बाद में करना है, क्योंकि आपको पहले ये बाकी के जो भी वॉल्स होते हैं, पार्टीशंस होते हैं, रूफ्स होते हैं, उसको डिमोलिश करना है,
और उसके बाद में ये स्टील स्ट्रक्चर जब आपको डिमोलिश करना पड़ता है तो इसको कट करना पड़ता है, तो इसको भी एक आपको प्री जजमेंट लेना होगा कि एग्जैक्टली ये स्टील स्ट्रक्चर का लेंथ क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है और ये कहाँ से कट करना चाहिए जिसकी वजह से कम लॉस या कम से कम यहाँ पे हजार्ड्स हो, कम से कम रिस्क हो और उसके बाद में ही आपको ये स्टील स्ट्रक्चर का डिमोलिशन का प्रोसेस अप्लाई करना होगा। फिर कुछ मटेरियल्स या आर्टिकल्स होते हैं जिनका आपको स्टोरेज भी करना पड़ता है, तो ये सभी मटेरियल को स्टोर करने के लिए अलग अलग से स्पेसेस या फिर जो भी आपको पाइलिंग प्रोसीजर्स या स्टैकिंग प्रोसीजर्स है उसका पहले आपको यहाँ पे प्लानिंग करना होगा और उसके बाद में ही फिर ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगह यहाँ पे आपको रखने होंगे। फिर जो फ्लोर ओपनिंग्स है जो अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे एम्प्लॉयर ने ये कंफर्म करना है कि ये फ्लोर ओपनिंग सेफ है, उसके फ्लोर ओपनिंग तक जाने के लिए जो भी यहाँ पे वेज हम यूज कर रहे हैं, एंट्रेंस यूज कर रहे हैं वो भी सेफ है और उसके बाद में ही आपको ये पर्टिकुलर फ्लोर ओपनिंग्स को रीच करना है और फिर वहां से एक्चुअली डिमोलिशन प्रोसेस या मटेरियल सेपरेशन या फिर जो डेब्रीज होता है बाद में वो डेब्रीज हटाने की यहाँ पे आपको सूचना दी जाएगा। फिर कुछ इंस्पेक्शन एक्टिविटी यहाँ पे होगी क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली हमने फेजेस क्या प्लान किए हैं, प्रोसीजर क्या प्लान किए हैं, हमने जो भी इक्विपमेंट्स यूज करने का क्या प्लान किया है या फिर हेवी व्हीकल्स हमने यूज करने का क्या प्लान किया है उस हिसाब से ही ये पर्टिकुलर सब काम चल रहा है कि नहीं, इसके लिए इंस्पेक्शन करना जरूरी होगा। उसके अलावा मेन यहाँ पे जो भी एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर अगर कोई वैल्यूएबल मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे अगर होंगे नियर बाय या फिर कहीं पे गार्डन्स होंगे या फिर पब्लिक प्लेसेस होंगी तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पे इंस्पेक्शन करना होगा। फिर कुछ वार्निंग साइंस या बैरिगेट्स की अगर जरूरत होती है तो वार्निंग साइंस और बैरिगेट्स भी यहाँ पे लगाना होंगे कि अगर कोई विजिटर्स या थर्ड पर्सन आता है या फिर यहाँ पे जो बिल्डिंग वर्कर जो ट्रेन नहीं है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी डिमोलिशन के लिए तो उनके लिए ये पर्टिकुलर साइंस और बैरिगेट्स यूजफुल हो सकते हैं। फिर कुछ मैकेनिकल मेथड यहाँ पे हम डिमोलिशन के लिए यूज कर सकते हैं और आज के डेट में जैसे हमने बताया कहीं पे ऑटोमेशन यूज होता है, कहीं पे एक्सप्लोसिव यूज होते हैं, लेकिन मैकेनिकल मेथड भी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करना पड़ती है तो वो एक्टिविटी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्विंगिंग मूवमेंट जो बॉल या मेटालिक बॉल की या फिर कॉन्क्रीट बॉल की थ्रू भी कर सकते हैं आप, या फिर कुछ जैसे ये बकेट या हॉइस्ट भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ये सभी चीजों का आपको ये ध्यान देना होगा कि एग्जैक्टली आपके बिल्डिंग या एस्टेब्लिशमेंट की हाइट क्या है, जो भी आप हॉइस्ट या फिर बकेट्स यूज कर रहे हैं या फिर जो आप बॉल एंड स्विंगिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो उसका हाइट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और फिर अगर स्ट्राइक करने के बाद या डिमोलिश करने के बाद वो डेब्रीज को वहां से कैसे रिमूव करना चाहिए, तो ये सभी बातों का आपको पहले ही यहाँ पे प्लानिंग ठीक तरह से करना होगा और यहाँ पे जीरो एक्सीडेंट के हिसाब से अगर ये आपने प्लान किया है तो डिमोलिशन प्रोसेस सक्सेस हो सकती है। फिर है चैप्टर 13 जो है एक्सकैवेशन एंड टनलिंग वर्क के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट देखे थे उसमें से मेन एस्टेब्लिशमेंट हमने फोकस किया था बिल्डिंग, लेकिन कहीं पे आपको एक्सकैवेशन एक्टिविटी करनी पड़ती है, कहीं पे आपको टनलिंग वर्क भी करना पड़ता है तो ये भी BOCW रूल्स के अंडर आ जाता है। तो इसमें जब भी आपको कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन में रोड के लिए या फिर आपको जो भी रेलवे ट्रैक्स के लिए आपको अगर टनल की प्रोविजन करनी है तो यहाँ पर ये टनल प्रोविजन करने के पहले आपको ये कुछ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सकैवेशन एक्टिविटी कितनी करनी होगी, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करने होंगे, फिर ये टनलिंग वर्क कितने दिनों के लिए हो सकता है, यहाँ पे ये कन्फाइन स्पेस में जाता है यानी कि ऑक्सीजन डिफिशियंट एटमोसफियर अगर तैयार होता है तो उसके लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिक ड्राइंग्स या डिजाइनिंग यहाँ पे करनी होगी, जैसे कि कहीं आपको मैन लॉक भी करना पड़ते हैं, मेडिकल लॉक भी करना पड़ते हैं या फिर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो टनल ओरिएंटेड जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको भी यहाँ पे आपको बुलाना पड़ता है जिसको हम नॉर्मली कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। तो ये सभी बातें प्योरली टनलिंग वर्क ओरिएंटेड या एक्सकैवेशन ओरिएंटेड यहाँ पे जिनको एक्सपीरियंस है उनको ही ये बात बतानी पड़ती है।
जैसे कि यहाँ पे जैसे नॉर्मली प्रोजेक्ट इंजीनियर जो होता है उसी हिसाब से यहाँ पर भी प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा, लेकिन जो इसका मेन एक्सपीरियंस जो है वो टनलिंग ओरिएंटेड होगा, उसी हिसाब से वो प्लानिंग करेगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं यहाँ पे उनके लिए कुछ अलग से ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर मेन जो होता है वो है एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ने यहाँ पे आपको सेफ ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग जो पर्सन से उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है, और फिर अलग अलग पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिफाइंड ड्यूटीज जो है वो डिफाइन की जाती है, और फिर उसके बेसिस पे जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं जगह गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल भी आ सकते हैं, अगर डायरेक्टर जनरल का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो भी आ सकता है, या फिर स्पेसिफिक किस एरिया से ये अगर मैटर करता है कनेक्ट होता है तो वो पर्टिकुलर एरिया या लोकल एरिया में जो एक्सपर्टाइज पर्सन होते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, और फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये टनलिंग एक्टिविटीज जहाँ पर होती है वहां पर भी ये वार्निंग साइंस अलग अलग आपको लगाने होंगे, अलग अलग नोटिसेस यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इरेक्शनिंग का काम हो सकता है या फिर डिगिंग का या फिर एक्सकैवेशन का काम हो सकता है, कहीं से मटेरियल यहाँ पे नीचे आ सकता है, तो ऐसी जगह आपको डेंजर या फिर डेंजरस मटेरियल या फिर अगर पर्टिकुलर फायर हजार्ड या एक्सप्लोजन हजार्ड या इमरजेंसी प्रोसेस या फिर रेस्क्यू की प्रोसेस अगर आपको यहाँ पे कुछ डिफाइन करके देनी है तो यहाँ पर भी आप अलग अलग डिस्प्ले या नोटिफिकेशन यूज कर सकते हैं। तो कुछ जगह आपको जो एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन तो आपको नेसेसरी है, हर एक एम्प्लॉयर को अलग अलग जो भी एम्प्लॉयज आपने डिफाइन किए हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, और उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटल प्रोसीजर्स और रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन करने होगी। तो टनल में स्पेशली यहाँ पे इम्पोर्टेंस आ जाता है इल्यूमिनेशन का, यानी कि लाइट रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल लाइट होता है वो पर्टिकुलर कुछ मीटर्स तक ही यहाँ पे आपको दिखाई देता है, उसके बाद में डार्कनेस रहता है, और इसकी वजह से यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट और इल्यूमिनेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लेवल होती है उसके कैलकुलेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स या फिर इल्यूमिनेशन एडिक्वेट नहीं होगा तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे अगर टनल्स में से अगर कोई मटेरियल यहाँ से नीचे आ जाता है तो वहां पे टोटली ब्लॉक हो सकता है, और ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर फैटलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है जो स्पेशली टनल के लिए प्रोविजन दी गई। तो इसमें कुछ जो हमने अलग अलग जो प्रोविजंस बताए हैं, तो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स आप यूज क्या करने वाले हैं, ये डैमेज होने के चांसेस कितने हैं, या फिर इसका लाइफ स्पैन कितना है, या फिर जो भी यहाँ पे आप अलग अलग टूल्स या फिर जो भी अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करने वाले हैं उसके रिलेटेड भी यहाँ पे वाइब्रेशंस कितने जनरेट होते हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज कितनी हो सकती है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ये सभी बातें का आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। फिर है पाइलिंग, शोरिंग और ब्रेसिंग एक्टिविटीज, जो टनलिंग ओरिएंटेड ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो डेब्रिज मटेरियल हो सकता है या फिर अर्थ मटेरियल हो सकता है, कहीं पे जो भी मटेरियल यहाँ पे आ जाता है टनलिंग के दौरान तो उसको आपको पाइल करना होगा, और उसके रिलेटेड कुछ शोरिंग एक्टिविटीज ब्रेसिंग एक्टिविटीज भी होती है, तो वो एडिक्वेट डायमेंशन थ्रू ही आपको ये कंपल्सरी करना होगा। तो स्पेस रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ सकती है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर की या फिर जो स्ट्रेंथ है उसकी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको ठीक से स्टडी करनी होगी। फिर सेफ एक्सेस जो होता है, यानी कि आपको जहां पर एंट्री करना है तो कहीं पे आपको लैडर्स की जरूरत हो सकती है, कहीं पे आपको स्टेयर केसेस की जरूरत हो सकती है, कहीं पे रैंप्स की जरूरत हो सकती है, तो ये सभी जो भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट लेने वाले हैं या फिर जो अलग अलग एलिमेंट्स कंपोनेंट्स का सपोर्ट लेने वाले हैं तो उनका इंस्पेक्शन टेस्टिंग एग्जामिनेशन करके लेना भी जरूरी होगा। फिर कुछ ट्रेंचेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये जैसे की जरूरत होती है उस हिसाब से आपको ये काम करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर फॉलिंग ऑफ पर्सन ये सबसे एक प्रॉब्लमेटिक हजार्ड हो सकता है, या फिर कहीं पे आपको पर्टिकुलर डेप्थ में काम करना पड़ता है तो वहां पर ये ट्रेंचेस की जरूरत हो सकती है। तो ये ट्रेंचेस नॉर्मली कुछ स्ट्रीट स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, वुडन भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जिसके थ्रू या जिसके ऊपर आप काम करके फिर जो भी टेम्पररी वर्क होगा वो कंप्लीट कर सकते हैं और ट्रेंचेस आप हटा सकते हैं। फिर इसका ये जो अभी अभी हमने बात की, तो ये डेप्थ क्या होगा उसके बारे में ये गाइडलाइंस कुछ दी है। तो एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए आप यहाँ पे ट्रेंचेस का यूज करना चाहिए, और ये नॉर्मली अगर ये मेटालिक होंगे तो उसका स्ट्रेंथ अच्छा हो सकता है। फिर जो मशीनरीज की पोजीशन होती है, ये पोजीशन क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बताया है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देता है फोटोग्राफ में कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ डायमेंशन मेजर कर रहा है या फिर कुछ प्लानिंग कर रहा है और उसके नियर बाय ही यहाँ पे मशीनरीज का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ये गलत बात है। इसलिए पोजिशनिंग और यूज ऑफ मशीनरीज जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जहां पर आपको लगता है कि ऑक्सीजन डिफिशियंट एटमॉस्फेयर है या फिर वहां पे दूसरे ही गैसेस वहां पे एनवायरमेंट में आ सकते हैं, तो ऐसी जगह आपको ब्रीदिंग एपरेटस यूज करना नेसेसरी होगा। तो यहाँ पे सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस या फिर प्यूरिफाइड एयर सप्लायर या फिर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर कार्ट्रिज या परमानेंट बेसिस पे SCBA आपको यहाँ पे यूज करनी होगी। फिर कुछ सेफ्टी मेजर्स आपको स्पेसिफिक टनलिंग ऑपरेशंस के दौरान लेने होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो स्पेशली स्लाइडिंग ऑफ मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो रूफ फेस से या फिर वॉल से या फिर जो टनल में से या फिर कहीं पर से भी ये मटेरियल स्लाइड हो सकता है और यहाँ पे फैटलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई जगह आपको जो भी रॉक बोल्ट्स यहाँ पे लगाने की जरूरत हो सकती है या फिर कुछ स्टील सेट्स लगाने पड़ते हैं, कुछ सेगमेंट्स लगाने की जरूरत हो सकती है या फिर कहीं पे स्टील के नेट्स भी लगाने की जरूरत हो सकती है, तो ये प्रिकॉशनरी या सेफ्टी मेजर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया के लिए स्पेशली आपको ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और जजमेंट होना चाहिए और उसके बेसिस पे आप ये सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो डिपेंड्स है कि एग्जैक्टली टनल क्या है, वहां पे अगर लूज सॉइल है या फिर लूज रॉक है या फिर यहाँ पे इंजुरी के चांसेस है, तो उस हिसाब से आपको सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे। कहीं पे आपको न्यूमेटिक टूल्स यूज करना पड़ता है, तो ये न्यूमेटिक टूल्स का ऑपरेशंस उसके टेस्टिंग एग्जामिनेशन पहले से आपको ठीक तरह से करने होंगे, उसके बाद में ही उसको अलाउ करना चाहिए। कहीं जगह आपको शाफ्ट्स की जरूरत होती है, कहीं जगह लिफ्ट्स की जरूरत होती है और कहीं जगह कम्युनिकेशन डिवाइसेस की भी जरूरत होती है। तो ये डिपेंड है एग्जैक्टली आपको वर्क क्या करना है, फिर शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए और फिर उसके बेसिस पे उसका अगर स्टील केसिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर कॉन्क्रीट पाइपिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर टिम्बर शोरिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर मटेरियल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे डिसाइड होगी और फिर आपकी जो मूवमेंट होगी वो यहाँ पे फाइनलाइज करनी होगी। कुछ जो शाफ्ट है वो लिफ्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो ये लिफ्टिंग मैकेनिज्म और सेफ वर्किंग लोड का भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जब अंडर टनल हम काम करते हैं तो कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, तो कहाँ पर किस एक्टिविटी को रन करना है या फिर वो पर्टिकुलर मशीनरीज या इक्विपमेंट का कैसे यूज करना है, कितने डिस्टेंस में यूज करना है, किस डायरेक्शन में यूज करना है, इसके लिए आपको अलग अलग सिग्नल्स की जरूरत होती है या फिर जहां पे पॉसिबल है वॉकी टॉकी भी यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल्स या ऐसे जो डिवाइसेस है कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये यहाँ पे फेल हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको ये अलग अलग जो एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज का भी ध्यान देना होगा। तो जहां पे आप चैम्बर में काम करते हैं या फिर कुछ इंटरवल्स के बाद काम करते हैं या फिर कुछ मीटर्स में अंदर जाते हैं टनल्स में और आपको शायद और मीटर्स में भी काम करना पड़ता है, तो ऐसी जगह स्पेशली आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है या फिर चेंबर्स में से अगर कोई इंटीरियर पार्ट में अगर मैन लॉक हो जाता है तो वहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे अटेंडेंट की जरूरत होती है तो वहां पर भी ये स्पेसिफिक बात आती है कम्युनिकेशन की, या फिर कहीं पे कॉम्प्रेसर प्लांट है, फर्स्ट एड स्टेशन से, या फिर अगर आपको आउटसाइड कोई सपोर्ट चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, तो वहां पर भी आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। तो कहीं जगह कुछ बेल्स की प्रोविजन हो जाती है, कहीं जगह कोई पर्सन्स विसल्स यूज करते हैं और जिसके बेसिस पे आपको
एक विसल, दो विसल या तीन विसल का एग्जैक्टली सिग्नल क्या है वो सभी लोकल पर्सन को मालूम होता है, उसके बेसिस पे वहां पे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सिग्नलर जो अभी हमने पहले भी बात की थी, ये अगर आप साइन अच्छी तरह से आप यूज करेंगे तो ये अच्छा एक तरीका हो सकता है। तो अलग अलग जो एक्टिविटीज है, जो अलग अलग टनलिंग वर्क के लिए या एक्सकेवेशन वर्क के लिए जो भी आप मशीनरीज यूज कर रहे हैं या फिर इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अलग अलग साइंस है। जैसे कि यहाँ पे एक्सकेवेटर जो हैंड सिग्नल से उसके बारे में यहाँ पे कुछ साइन बताए, जैसे कि ये बूम अप थम्स अप दिया है, बूम डाउन थम्स डाउन आपको ये नहीं करना है, या फिर आपको टेलीस्कोप इन या टेलीस्कोप आउट, यानी कि डिस्टेंस इन या डिस्टेंस क्लोज, या फिर अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्ट, ये इसके बारे में डिस्टेंस है, इसके बारे में ये सिग्नल से, या फिर ये डीपर इन डीपर आउट, या फिर जो काउंटर रोटेट या काउंटर रोटेशन जो है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे ये अलग अलग साइंस यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ओपन बकेट या क्लोज बकेट, या फिर डॉग एवरीथिंग और नो रिस्पॉन्स शुड बी मेड टू अनक्लियर सिग्नल्स। तो ये अलग अलग यहाँ पे सिग्नलिंग के बहुत सारे यहाँ पे गाइडलाइंस है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जहां पर भी ये क्लियरेंस की जरूरत होती है, जैसे कि एंट्री एग्जिट, या फिर आपको कहीं पे मूवमेंट करनी पड़ती है, तो ये ऐसी जगह आपको सभी बातों का यानी कि मटेरियल जो है वहां से क्लियर करना पड़ेगा। फिर कुछ शेल्टर्स की भी यहाँ पे जरूरत होती है, जैसे कि कुछ टाइम के बाद आपको अगर रेस्ट लेनी है, या फिर जो इंटरवल्स होते हैं, या फिर टी ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक्स होते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे शेल्टर्स की प्रोविजन होनी चाहिए। तो ये शेल्टर्स में स्पेशली अगर हम डायरेक्टली सनलाइट में अगर काम करते हैं या फिर हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो वहां पर ये शेल्टर्स का सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है। कुछ यहाँ पे हम आईसी इंजिन्स भी यूज करते हैं, तो ये ऐसे इंजिन्स के बारे में आपको पहले जानकारी लेनी चाहिए, उसके परफॉर्मेंस के बारे में भी, उसके मैकेनिज्म के बारे में भी, और उसके ओरिएंटेड अगर यहाँ पे कोई स्पार्क जनरेट हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे फ्यूम्स जनरेट हो सकते हैं, या फिर कोई गैसेस वो जनरेट करता है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। उसके अलावा जो इनफ्लेमेबल ऑयल्स है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फायर हजार्ड्स क्रिएट होता है, फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। उसके अलावा है कपलिंग्स और होजेस, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हम जो भी हम हाइड्रोलिक होजेस नॉर्मली प्रेशर हाइड्रोलिक होजेस यूज करते हैं, या फिर जो कपलिंग्स यूज करते हैं, तो कुछ जगह हाइड्रोलिक प्लांट्स यूज करना पड़ता है अंडरग्राउंड के लिए, तो उसका प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा। फिर कुछ होज इंस्टॉलेशंस भी यहाँ पे हो सकते हैं, तो यहाँ पर होज इंस्टॉलेशन या फायर रेजिस्टेंस होजेस या फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट्स यहाँ पे जहां पर भी पॉसिबल होगा वहां पर आपको ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए, या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करते हुए या आपको इंस्टॉलेशंस और इक्विपमेंट यूज करने चाहिए। जहां पर ये फ्यूल या ऑयल का यूज होता है, तो ये नॉर्मली हम अंडरग्राउंड में स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर ये फायर के चांसेस हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर जो भी फ्लेमेबल केमिकल्स या एक्सप्लोजिव अगर होंगे, ये सेफ डिस्टेंस क्राइटेरिया हम अगर फॉलो करेंगे, या फिर अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए जो भी मिनिमम क्राइटेरिया वो अगर फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हजार्ड्स मिनिमाइज हो सकते हैं। फिर कुछ गैसेस जो है जो अंडरग्राउंड में ऑलरेडी ट्रैप हो जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके अलावा जो गैसेस आप अगर यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये दोनों भी बातें हैं, यहाँ पे कुछ ऑक्सीएसिटेट गैस हम यहाँ पे कहीं पे यूज कर रहे हैं, या फिर कॉम्प्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं, या फिर एलपीजी यूज कर रहे हैं, या फिर सीएनजी यूज कर रहे हैं, तो जो भी हम गैसेस यूज कर रहे हैं, तो उसका भी ध्यान देना होगा एक्सप्लोजिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, या लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट जो है उसके नीचे ही इसको अगर आपको कंट्रोल करके रखना है, तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स आपको ध्यान रखते होंगे। फिर है वाटर फॉर फायर फाइटिंग, तो यहाँ पे अगर इनकेस फायर कैच होता है, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है वाटर की, तो वो आप फायर लोड से कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर फायर लोड के बेसिस पे क्वेंचिंग जो होता है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो फाइनलाइज होती है, और उतनी मिनिमम वाटर जो रिक्वायरमेंट है आपको वहां पे रखनी होगी। नॉर्मली जो बात कहते हैं, तो मिनिमम वाटर जो कैलकुलेट करते हैं उससे 1.5 मल्टीपल में आपको वाटर का स्टोरेज रखना जरूरी होता है।
तो उस हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर्स का आपको ध्यान रखना। और कई जगह ऐसे भी होता है कि अगर आप वाटर बॉडीज या नियर वाटर बॉडीज या सी लेवल या रिवर वाटर या डैम्स के रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे फ्लडिंग सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, तो वहां पर भी आपको सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे। और कहीं पे स्टील कर्टन्स का भी यूज करना होगा, तो जहां पर आपको लगता है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको काम करना है और ये पर्टिकुलर हाइट पे काम करना है, कहीं जगह आपको मैन्युअली काम करना पड़ता है, या फिर अगर कोई मटेरियल की मूवमेंट करनी है, अपवर्ड मूवमेंट करनी है, तो वहां पे आप स्टील कर्टन्स का भी यूज कर सकते हैं। और जो रेस्ट रूम के बारे में हमने बात की थी या फिर इंटरवल्स की बात की थी या फिर पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको रेस्ट लेना जरूरी होता है, तो उसके लिए रेस्ट शेल्टर्स भी बनाए जाते हैं। तो रेस्ट शेल्टर्स में भी आप आराम कर सकते हैं या फिर आप बॉडी रेस्ट ले सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट एड की प्रोविजन है, अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर है 152 में परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स। तो ये केमिकल्स के सेशन में हमने ये डिटेल में पढ़ा था, हर एक केमिकल्स का एक परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर होता है जिसको हम PL लिमिट कहते हैं। तो ये अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन से अथॉरिटीज है उन्होंने ये अलग अलग यहाँ पे परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट्स यहाँ पे डिफाइन करके दिए हैं। तो यहाँ पर भी BOCW रूल में भी एक पर्टिकुलर शेड्यूल में ये परमिसिबल लिमिट्स दिए गए हैं। तो जो भी केमिकल्स उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं और उसके जो भी परमिसिबल लिमिट्स बताए गए हैं उसके बेसिस पे ही आपको उसको हैंडल करना है, स्टोर करना है और यूज करना है। फिर यहाँ पे हमने जो वेंटिलेशन की बात की, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की एयर की जो होती है, जो नॉर्मली आपको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए या नॉर्मल कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर ब्रीदिंग के लिए चाहिए, तो वो मिनिमम वेंटिलेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। फिर जो एयर सप्लाई होता है, इनटेक पॉइंट्स, तो वहां पे मिनिमम कैलकुलेशन जो एयर इनटेक के होते हैं उसके बेसिस पे आपको ये एयर सप्लाई यहाँ पे करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे डस्ट या फ्यूम्स या वेपर या फिर जो एग्जॉस्ट गैसेस आते हैं वो यहाँ पे कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए जहां पे आप एयर सप्लाई कर रहे हैं। फिर कुछ इमरजेंसी जनरेटर्स की भी यहाँ पे प्रोविजन होनी चाहिए, अगर यहाँ पे कोई पावर सप्लाई कट हो जाता है या फिर किस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, तो जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी सिस्टम से, जैसे कि हम कहीं पे कॉम्प्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं, कहीं पे आप पावर टूल्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसी जरूरतों के लिए आपको पावर सप्लाई का एडिशनल चाहिए जो इमरजेंसी पावर सप्लाई कहलाता है, तो उसके लिए इमरजेंसी जनरेटर की यहाँ पे जरूरत होगी। फिर जो एयर मेन्स होते हैं, यानी कि जहां से मेनली एयर सप्लाई हो जाता है, तो वो कहीं से भी लॉक नहीं होना चाहिए। तो मेन सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो स्पेशली वर्किंग चैम्बर्स में या फिर जहां पर ये हम बात करते हैं कि जहां पे मैन लॉक है या फिर मेडिकल लॉक है, तो यहां पर ऐसी जगह ये कंटिन्यूस एयर सप्लाई होना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको मेन एयर सप्लाई और उसके अलावा अगर स्टैंड बाय एयर मेन सप्लाई की अगर प्रोविजन कर पाते हैं तो ये भी यहाँ पर आपको करनी होगी। उसके अलावा है बल्क हेड एंड एयर लॉक्स, तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि यहाँ पे बल्क हेड और एयर टाइट डायफ्राम्स जो होते हैं, जो स्पेशली रिटेनिंग टू कॉम्प्रेस्ड एयर, तो उसकी प्रोविजन आपको यहाँ पे करनी है। तो उसके लिए जो भी आपको शाफ्टिंग की मूवमेंट होती है या फिर जो मैकेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको ये रेगुलर बेसिस पे ध्यान देना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा कि ये बल्क हेड और जो डायफ्राम्स है वो यहाँ पे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। तो जो भी मटेरियल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो एडिक्वेट साउंड मटेरियल होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में भी वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही ध्यान देना होगा। तो इसमें जो अभी हमने डायफ्राम की बात की है, तो ये डायफ्राम की जो रिक्वायरमेंट है ये एम्प्लॉयर आपको फुलफिल करके देगा। उसके अलावा जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स होते हैं, तो जो अभी हमने बात की, तो जहाँ पे स्पेशली एक्सप्लोजिव केमिकल्स हैं या फिर जो फ्लेमेबल केमिकल्स है उस एरिया में आपको ये इलेक्ट्रिक हैंड टूल्स यूज करना पड़ते हैं। टनल्स में जहाँ पे लाइट की प्रोविजन या वेंटिलेशन कम है, इलेक्ट्रिक जो आपको यहाँ पे पावर टूल्स की जरूरत होती है, तो वहां पर भी आपको ये अलग अलग
जो इलेक्ट्रिक हैंड टूल्स है वो यूज कर सकते हैं। तो जहां पर सप्लाई डायरेक्टली नहीं हो पाता है, पावर सप्लाई हम नहीं कर पाते, तो यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड हैंड टूल्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टूल्स, जैसे ये फोटोग्राफ में आपको दिखाई देते हैं, तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कहीं पर आपको सर्किट ब्रेकर की जरूरत होती है, अगर ये हाई वोल्टेज सप्लाई या फिर करंट अलग से अगर होता है, तो ऐसी जगह आपको यहाँ पे सर्किट ब्रेक भी करना जरूरी होता है। तो ऐसी जगह भी आपको सर्किट ब्रेकर यहाँ पे इंस्टॉल करने होंगे। कुछ ट्रांसफार्मर या लाइव वायर्स या फिर जो वेल्डिंग सेट्स होते हैं उसकी भी जरूरत होती है। तो ये अलग अलग जो सप्लाई है उनके लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत है। जो ट्रांसमिशन जो फैसिलिटी है वो वायर के थ्रू हो सकती है, लेकिन जब लाइव वायर्स यहाँ पे होते हैं तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक हजार्ड्स या शॉक लगने के चांसेस, इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहां पर आपको मेनली ध्यान देना होगा। फिर कहीं पे वेल्डिंग सेट्स भी होते हैं, तो ये डायरेक्टर जनरल के जो गाइडलाइंस होते हैं उस हिसाब से आपको फॉलो करने हैं। और यहाँ पे मेनली आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो वेंटिलेशन की बात की थी हमने या फिर एयर की बात की है, तो मिनिमम क्वांटिटी और जो भी क्वालिटी है वो यहाँ पे आपको मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि टनलिंग में या एक्सकेवेशन एक्टिविटी में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आपका एयर सप्लाई कट हो जाएगा। तो एयर सप्लाई कट होता है यानी कि ऑक्सीजन आपको सफिशियंट नहीं मिलेगा, और उसके बेसिस पे यहाँ पे फिर फैटलिटी होने के या फिर सफोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं जगह आपका टेम्परेचर हायर साइड में भी हो जाता है, तो टेम्परेचर कंफर्टेबल रहना चाहिए, इसके लिए भी आपको कुछ प्रोविजन करनी होगी। अगर हाई टेम्परेचर है तो शायद कूलर्स की प्रोविजन करनी होगी, अगर लो टेम्परेचर है तो हीटर्स की प्रोविजन यहाँ पे आपको करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप सराउंडिंग के ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि ये टनलिंग वर्क में अगर बिल्डिंग वर्कर्स को कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है तो आपको एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो कई जगह मैन लॉक्स के बारे में हमने बात की थी, तो यहाँ पे जो कॉम्प्रेस्ड एयर एनवायरमेंट है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड एयर का सप्लाई या फिर उसका मेंटेनेंस करना भी जरूरी होता है। और कहीं जगह इमरजेंसी सिचुएशंस में भी ये यूटिलाइज हो सकता है, स्पेशली जो मैन लॉक की हमने बात की थी, तो वहां पर जो मैन लॉक के डोर्स होते हैं या फिर जो टनलिंग में जो प्रोविजन हो सकती है, तो वहां पर आपको सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की यहाँ पे जरूरत होगी। तो कुछ जगह आपको अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है ये स्पेशली मैन लॉक्स और कॉम्प्रेस्ड एयर एनवायरमेंट के लिए, वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। फिर है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, तो जो भी हमने बात की थी कि कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर जो इंस्पेक्टर होगा वो यहाँ पे आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देना देगा, और वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको वो फॉलो करनी है। यहाँ पे कुछ मेडिकल लॉग भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय की ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मेडिकल लॉक को कंस्ट्रक्ट करना, उसको मेंटेन रखना, टनल में प्रोविजन करना, ये बिल्डिंग वर्कर्स में जो स्पेशली चैम्बर्स में काम करते हैं, तो यहाँ पर उसका वर्किंग चैम्बर का प्रेशर जो है वो चेंज हो सकता है, तो वहां पर ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो नॉर्मल प्रेशर में, नॉर्मल टेम्परेचर में और नॉर्मल एनवायरमेंट में अगर आपको करना है काम, तो वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा है चैप्टर 14 जो बात करता है कंस्ट्रक्शन रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ स्टीप रूफ। तो जहां पर अगर आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में रूफ पे काम करना है और स्टीप रूफ पे काम करना है, तो उसका कंस्ट्रक्शन करना, उसका रिपेयरिंग करना, उसका मेंटेनेंस करना ये भी जरूरी होता है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन रूफ पे काम करेंगे तो यहाँ पर वर्किंग एट हाइट की जो भी सेफ्टी मेजर्स से उसका आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे रूफिंग ब्रैकेट्स की भी बात आती है या फिर जो इंस्टॉलेशंस की प्रोसीजर है उसकी भी बात आती है, या फिर यहाँ पे आपको जो भी क्राउलिंग बोर्ड्स की यहाँ पे जरूरत होती है, या फिर जो लाइफ लाइन मैकेनिज्म होता है उसकी जरूरत हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो भी आपको पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट यूज करना पड़ते हैं, जैसे कि हार्ड हैट्स, हेलमेट्स, या फिर जो एप्रॉन्स है, या फिर जो हैंड ग्लोव्स है, या फिर जो शूज है, या फिर सेफ्टी हार्नेसेस है, ये सभी बातों का आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे सेफ्टी नेट सिस्टम्स की जरूरत होगी, तो वो सेफ्टी नेट सिस्टम भी यहाँ पे आपको अलाउ करनी होगी।